अभी हाँ का कर दी तू, माय दे पैसा अरे नहीं, हम देव ना तो दे, देव माय पैसा दे दे हम दे। के। ये हमारा प्लास्टिक में से खाना निकल रहा है और ये हमारी गाड़ी खड़ी है फंस गया। हम लोडेड पूरा एकदम भरपूर तरीके से फेंकते हुए आई, एकदम गरम हीट आग मुत रही है आग इस समय। ठीक है चलो, तू कितना ही तू देना, हम तो दे ना, तो हम ले लें ना। तू दे हम के पहले दिखाओ कितना। 1,000 हुए? नहीं 1,000 नहीं, 1,000 हुए। चला हम ना तो माई पैसा दे, चल माई पैसा ले के कर नहीं रे। तो तू हम के देना, हम दे ना तेरे माई के पैसा। तो गाइस फाइनली अभी हम तैयार हो चुके हैं और रात के बज रहे हैं 4 और हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। और मैं दिखाऊं तो हमारी जो गाड़ी है वो फुल्ली रेडी हो चुकी है, दिखा रहा हूँ मैं। देखिए हमारी जो गाड़ी है पूरी तरीके से इधर लोडेड है। अरे हाई का रख ले रे, करे हाई कहाँ रखे भे? ये देखा ये तैयार हो के, हे भगवान कुल कैसे ले जाए भी रे, कहीं ना रख। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं, क्या बज रहा है, 4 और हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। और मैं बताऊं तो अभी हाँ का कर दी तू, माई दे पैसा। अरे हम देव ना तो दे, माई पैसा दे दे हम के। अच्छा तू यही बेटा के कर बदली है, मंगा बना दे सब के सच्चे पे, मंगा बना ही दे लूं के। दे 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 दे, ये वो दे दे दे। ठीक है चलो, तू कितना ही तू देना, हम तो दे ना, तो हम ले लें ना। तू दे हम के पहले दिखाओ कितना। 1,000 हुए? नहीं 1,000 नहीं, 1,000 हुए। चला हम ना माई पैसा दे, माई पैसा ले के कर नहीं रे। तू तू हम के देना, हम दे ना तेरे माई के पैसा। तू ले ले ना, अपन लेके चल। ठीक है झगड़ा साला, घरे से पैसा मिला तो पैसा न ले देते आई दैनिया। हाँ भाई बहुत है ना देने, देखा चढ़ावल, देखा चढ़ावा लेकर कंफर्टेबल है। चला लगता है ये पान ले ला है, चल ना ठीक है। तू जब आओ कोई ना, हाँ जाओ से उदा के आराम से धीरे धीरे चला। देखा वो वक्त को आप बताइए उन्होंने क्या करे के है, जाके तो अंतिम के अल्कल को गाड़ी ना बहुत आराम से लेके जाए, धीरे धीरे जब दिन हो जाए तब चलाए इतनी तेज, कहीं खींचलो जरूरी है ना। चला लो ठीक है। हाँ तो गाइस आगे पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब हम निकल चुके हैं यहाँ से दिल्ली के लिए बिल्कुल। तो अभी सुबह के बजे हैं 4 और हम जा रहे हैं दिल्ली। कोई जगह भी नहीं है बे अभी तक, कंफर्टेबल है ना मतलब। अरविंदवा सारे हमारा दोस्त है अरविंद प्रजा, अरविंद राजभर बहुत मस्त लड़का। तो गाइस मैं बता दूं तो अभी हम जा रहे हैं और देख रहे हैं सुबह सुबह भूत आएगा साला इधर रोड पे चाप देंगे मर जाएगा। हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और अभी हम हैं यहाँ पे घर से, सबसे पहले चलेंगे बनारस के रास्ते में, हम डलवाएंगे पेट्रोल गाड़ी में, पेट्रोल भरवा के फिर जाएंगे। और बात करें तो हम लेके जा रहे हैं हमारी एक्सपल्स स्कूटी, लेके आए थे अपनी हम और लेके जा रहे हैं एक्सपल्स अपनी, एकदम मजा आ जाएगा गाइस, भगाते हुए जाएंगे उड़ाते हुए एकदम बिल्कुल। तो ये कुछ हमारे गांव के रास्ते का नजारा है जो कि रात में कुछ ऐसा दिखता है, दिन में तो ठीक ठाक दिखता है लेकिन रात में भयंकर एकदम। अरे जय हो तड़वा बाबा, जय हो श्री बाबा, बोलो हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान दया दृष्टि बने ले रही यार। अच्छा से मन के पहुंचा दिया भाई, 5 किलोमीटर के करीब दूर है। और ये जो हाईवे है ये हाईवे है बनारस से गोरखपुर, अगर आप बनारस से गोरखपुर जाना चाहते हो तो इस हाईवे को पकड़ के आराम से जा सकते हैं बिल्कुल, एकदम बेफिक्र कर, कहीं ब्रेक ही नहीं मारना है साला, एकदम सीधा गोरखपुर इससे। और मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है वाराणसी 55 किलोमीटर,
मैं बता दूं तो हम यहाँ से अगर आप दिल्ली जाने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ से दो रास्ते हैं, दो क्या तीन रास्ते हैं। पीछे से आप घूम के पूर्वांचल एक्सप्रेस में पकड़ सकते हैं जो 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। दूसरा रास्ता यहाँ से जौनपुर के जाके निकल सकते हैं आप सीधा जौनपुर से लखनऊ और लखनऊ से सीधा आगरा के बाद दिल्ली। और तीसरा जो रास्ता है वो है यहाँ से बनारस से इलाहाबाद कानपुर और सीधा मतलब एनएचपी पकड़ के। तो तीन रास्ते हैं जाने के लिए। तो हमने क्या सोचा है कि लखनऊ जाएंगे तो उसके बोल दे रहा अगर हम जाते हैं हाईवे दो से और उधर से वृंदावन चेन्नई एक्सप्रेस में पकड़ लेंगे सीधा सीधा, तो उधर 200 रुपये यानी 800 रुपये बचा लेंगे हम इस रास्ते से जाकर। तो हमने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे उस रास्ते, 800 रुपये बच रहा है। एक बार फोन करेंगे तो कानपुर में चौक जल्दी कानपुर तो पहुँच ही जल्दी है कट गई लेकिन अच्छा पहले से बहुत ही इंटरनेट लगा के रख लेना यार। पहला फिलअप 940। तो गाइस हमारा पहला फिलअप हो चुका है 939 का और अब हमें लगता है कि हम कानपुर तक छुआई देंगे चलने में। देखते हैं कहाँ तक चलती है, जाना तो यही है चाहे जहाँ तक चले। तो ये कुछ बनारस में हम पहुँचने वाले हैं, बनारस मुश्किल से 5-6 किलोमीटर आ रहे हैं बनारस पहुँचने में। और चलिए आपको बनारस के बनारस के बस अड्डे पे और ये कुछ मस्त चीज़ें। अरे साला रेस्टोरेंट खुल गया, अरे जाइए कोई रोडवा के पीछे में रेस्टोरेंट दुकान खुल गई पूछ। हाँ पहले ना रहे बैठे उठे वाला बना दिले एकदम आई सर्वाइवल पानी भर रहा है हमेशा कचरा के। गाइस हम आ चुके हैं कैंट रेलवे स्टेशन पे और अब यहाँ से थोड़ी दूर और भी बनारस पर हम निकल जाएंगे। बोले ओ बोले बनारस का जाम चक्का जाम। यार ऊपर से करें तो कहीं जाम ना मिले। अरे आगे वाले खाली आइए 100 मीटर खाली ट्रैफिक मिली ज़्यादा नहीं मिलती। ये रहा गाइस बनारस का कैंट रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम गुजर रहे हैं बिल्कुल। हाँ तो गाइस सुबह सुबह हमारी चाय चल रही है फर्स्ट क्लास की दुकान पे और हम अब चाय पी के यहाँ से निकलेंगे और दोपहर में खाना खाएंगे। शक्ल तो देख ही रहे होंगे मस्त ढक के चल रहे हैं एकदम बवाल। नींद आ रही थी सुबह सुबह जाएंगे चाय पी लें नींद टूट जाएगी चुंगम चबाते हुए निकल लेंगे पूरा एकदम मस्त। तो हेलो जी गाइस मैं आपको बता दूं तो अभी हम आ चुके हैं कानपुर के पास में। बिल्कुल यहाँ से कानपुर है 50-60 किलोमीटर के करीब और अभी बजे हैं 10 और भाई 10 बज चुके थे और हमें लग गई थी भूख बिल्कुल ज़ोरों से। तो हमने क्या किया है कि एक ये रहा हाईवे, हाईवे के बगल में बगीचा सा था यहीं पे हमने अपना जुगाड़ लगा रखा है। अब चलना है पीटने खाने और खा के एक दो घंटे आराम करेंगे, 12 बजे करीब यहाँ से आराम से निकलेंगे फिर अब दिल्ली के लिए सीधा। 10 बजे हम लोग कानपुर पहुंचा दिए खेतते हुए, आइए साथ में खाते हैं। ये हमारा प्लास्टिक में से खाना निकल रहा है और ये हमारी गाड़ी खड़ी है फर्स्ट क्लास एकदम लोडेड पूरा एकदम भरपूर तरीके से खेतते हुए आई एकदम गर्म हीट आग मुतरी आग इस समय गाड़ी। और ये हमारा सब्जी प्लास्टिक में पकौड़ी रोटी और चल रहे हैं बिताने। तो गाइस मैं आपको बता दूं तो अभी हम चलते चलते लगभग आगरा पहुंचने वाले हैं। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर आगरा है, इटामा आ चुके हैं।
और भाई साहब वहाँ रुके थे हम खाने के लिए, और खाने के बाद यहाँ आते आते हमें बच गया है लगभग 3 बजे ना, 3 के करीब बज चुका है। और गई थी 2 रुपये की, और एक ढाबे पे सलाद आया, बाकी आइटम आ रहे हैं और चल रहा है खाने और पढ़ाई है। तो भाई देखिए अपना शेरू खड़ा इधर, और हम उसके जोर दे रहे हैं क्योंकि हमें आइटम आया नहीं। किलोमीटर और उम्मीद से ज़्यादा पहले आ चुके हैं हम, तो सोच लेते हैं 9-10 बज जाएगा रात में, टाइम से पहुंच जाएंगे बिल्कुल घर।